से पहले इसमें पानी लगाना है। पानी लगाने के लिए इसमें 1 लीटर का बिस्लरी का बॉटल लग जाएगा, या 20 लीटर वाला जो कैप्सूल पलटी हो गया लगता है वो लग जाएगा। कैप्सूल का कैप नहीं निकालना है, बिना कैप निकाले उसको लगाना है। ये मशीन का मेन स्विच है, इसको आके चालू करना है। सुबह जब मशीन चालू करेंगे तो 5 मिनट लेगी और अपने आप चालू हो जाएगी, तो इसमें इंसर्ट कॉइन लिखा जाएगा। जब तक ये चालू नहीं होगी यहाँ पे हीटिंग दिखाता रहेगा, यानी 85 पे जब तक टेम्परेचर नहीं होगा तब तक मशीन चालू नहीं होगी। अभी इंसर्ट कॉइन लिखा आ गया है, क्योंकि ये मशीन कॉइन वाली है इसलिए इंसर्ट कॉइन लिखा आ गया। इसमें 2 फ्यूज है, एक 5 एम्पियर एक 15 एम्पियर, एक्स्ट्रा फ्यूज ये रखे हुए हैं। ये मशीन में मिक्सिंग यहाँ पे होता है और यहाँ से निकलता है। इसमें जार लगाने के लिए ये जो जार है, जार के पीछे ये जगह है, इसमें देखिए मेरी उंगली जा रही है। सेम ये जार को फिट करने के लिए ये जो मोटर है, ये मोटर इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है कट का निशान, तो ये पिन इसमें आ जाएगी। जब भी जार लगाएं, बंद करें पाउडर भर के, तो इसका कैप आगे की साइड होना चाहिए, और पाउडर जब भी भरें तो ये कैप लगा के भरें, और कैप लगे अंदर जार लगाने के बाद में ये एल्गो लगाना है इसमें, मतलब ये जार ऐसे लगेगा और एल्गो लग जाएगा, तो ये पाउडर इसमें गिरेगा। दोनों जार ऐसे लग गए, और जब भी आपको मशीन दोनों जार लगाने के बाद में, इसमें 4 बटन है, कॉफी, टी, हॉट वाटर और हाफ कप। अभी ये मशीन पूरी टोकन से चलेगी, तो सबसे कुछ भी चलाने के लिए हमको टोकन डालना पड़ेगा। ये डब्बा है, इसमें सारे टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, ये वाले टोकन है और ये टोकन है। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे, इसमें ये देखिए कट का निशान बना हुआ है और यहाँ पे कट का एक हल्का सा नोक निकला हुआ है, तो ये टोकन इसी के उससे जाएगा। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे वेलकम लिखा जाएगा। और सपोज मैंने ये कॉफी दबाया, तो ये कॉफी निकलेगा। ये कॉफी निकलने के बाद में वापिस इंसर्ट कॉइन आ जाएगा, ये देखिए प्लीज वेट लिखा आया और ये इंसर्ट कॉइन आ गया। अभी मेरे को फिर से कुछ भी चाहिए, तो मेरे को फिर से सिक्का डालना पड़ेगा और फिर से मैं कुछ भी चाय निकालना है तो मैं चाय निकाल सकता हूँ। मतलब कुछ भी ऑपरेट करने के लिए आपको ये कॉइन डालना पड़ेगा। ये कॉइन वाले डब्बे का चाबी अलग है और ये इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, एक समय के बाद में सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मशीन में 100 कॉइन है, बाकी सिक्का इसमें कभी फंसेगा नहीं क्योंकि ये टोकन है। बस ये टोकन डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि कट के निशान से इसको अंदर डालना है। इसमें पानी ऊपर होना चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो यहाँ पे वाटर टैंक लो आ जाएगा, तो मशीन नहीं चलेगी। और मशीन में साफ सफाई का ऐसा है कि जब आप सुबह मशीन चालू करते हैं तो